अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं शक्लैन आज़ाद हूँ और आप अपना यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है। मेरा आज का टॉपिक है, क्या फिंच का कारोबार या परिंदों का कारोबार किसको करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। ये एक बहुत अहम क्वेश्चन है। ये एक जो कि तो पैसे जमा करते हैं, मिडिल क्लास लोग हैं हम, थोड़े थोड़े पैसे जोड़ के उसके बाद कोई स्टेप लेते हैं, उसमें महीनों लग जाते हैं, 6 माह भी लग जाते हैं, साल भी लग जाते हैं। तो हमें बड़ा सोच समझ के स्टेप लेना होता है कि ये काम करना चाहिए या नहीं। तो मुख्तसर करते हैं, टॉपिक की तरफ आते हैं कि ये काम सिंपली उस बंदे को करना चाहिए जिसके पास, पहली बात सबसे जो अहम है वो ये कि शौक़ हो उसको परिंदों का, उसको परिंदों का शौक़ हो, वो पैसों के लिए परिंदे ना रख रहा हो। सबसे ज़रूरी और अहम पहली बात भी यही है और आखिरी बात भी यही है, उसके अंदर शौक़ होना चाहिए। नहीं है शौक़ तो मत रखें परिंदे। हाँ, ये हो सकता है पहले आप अपने अंदर शौक़ पैदा करें, अपने आप को देखें, आप 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने अपने आप को कोई टेस्ट करें। आप किसी भी चीज़ का एक पेयर ले आएँ, दो पीस या दो पेयर ले आएँ, कोई परिंद कोई भी परिंदा ले आएँ आप, उसको आप 1 से 2 महीने रख के देखें आप, क्या आप उसको दाना पानी डाल रहे हैं, क्या आप उसको केयर कर रहे हैं उसकी मौसमी हवाले से, सर्दी गर्मी की, क्या आप उसका बर्तन धोते हैं पानी का, उसको आप टाइम पे दाना दे रहे हैं या वो भूखा पड़ा हुआ। क्यों? ये एक जानदार चीज़ है, इसका हमने अल्लाह को जवाब देना है कि हमने क्या पानी देते रहे हैं सही इतना टाइम पर, नहीं दाना देते रहे हैं कि नहीं, क्योंकि ये चीज़ सबसे पहले है। पैसा कमाना इंसान के पास, अल्लाह ने इतने रोज़गार के तरीके बताए हैं, उसमें से कोई भी हम रोज़गार का तरीका इख्तियार कर सकते हैं अपनी हैसियत के हिसाब से। तो खाली इन चीज़ों को नहीं देखना होता कि ये काम इधर से वीडियो देखी और चलो जी ये काम शुरू कर लो, किसी ने मशवरा दिया हाँ ये कर लो तो ठीक है जी कर लिया, ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उस हवाले से ये बिल्कुल गलत, इस तरह से कोई स्टेप लेता है कोई तो ये बिल्कुल गलत होगा। आपके अंदर शौक़ हो, आपके पास टाइम हो, उसके बाद आपको 1 घंटा चाहिए रोज़ाना, टाइम इतना नहीं लगता, टाइम सिर्फ रूटीन में 15 से 20 मिनट का ही टाइम लगता होता है, लेकिन मिनिमम आपके पास फिर भी 1 घंटा होना चाहिए, क्योंकि किसी दिन कोई भी समटाइम्स कोई मसला हो जाता है, जैसे आपको अचानक से सफाई करनी पड़ गई है, अंदर पानी गिर गया, या फिर ये कि आपने जो लाइट अंदर लगाई हुई है उस लाइट का कोई प्रॉब्लम हो गया, या फिर ये आपने वो लाइट ऑन द स्पॉट ठीक करनी है उस वक्त। ये नहीं होगा कि आपने नेक्स्ट डे कोई बात नहीं, परिंदे भूखे पड़े हैं या अंधेरे में हैं तो ठीक रहे मैं कल कर लूँगा, गीला पड़ा हुआ केज अंदर से पानी गिर गया तो कोई बात नहीं मैं 2 दिन बाद साफ़ कर लूँगा, इस तरह से काम करेंगे तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। हाँ हो सकते हैं लेकिन आपको बहुत टाइम लग जाएगा, सालों लग जाएंगे, तो एक किस्म का ना होने के बराबर कह लें, एक बहुत लंबा वक्त दरकार होगा, आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे चीज़ों जो कि आपने सोच रखे होंगे। ये बहुत अहम चीज़ें हैं जो कि बिल्कुल बेसिक है, इन्हीं के ऊपर परिंदे का जो है ना वो काम चलता है। कोई भी परिंदा रख लें या कोई भी जानदार चीज़ रख लें, कोई जानवर रख लें, इसके बगैर इनका सर्वाइवल नहीं है। उसके अलावा ये होता है कि बाज़ औक़ात कोई बीमारी आ गई, आपको ने देखा है कि कोई ख़ारिश लगी हुई है, लूज़ मोशन लग गई, आपको कुछ एकदम से कोई चीज़ तब्दीली करनी है दाने के अंदर या बर्तन धोने हैं, आपने बड़ा सेटअप लगा हुआ है, 200-300 पेयर लगा हुआ है आपके पास, अब डेफिनेटली उसमें बर्तन भी ज़्यादा होंगे, दाने के पानी के बर्तन उसमें जो है ना एक से ज़्यादा ही होंगे, 2-3 बर्तन पड़े होंगे आपके पास, आपको अब वो मसले का हल निकाल लें, कोई भी मसला निकल सकता है वहाँ, आपको उसको अर्जेंट बेसिस पे सॉल्व करना है। जब आपके अंदर ये नहीं होगा शौक़, आप किसी सूरत भी नहीं कर पाएंगे, आपके पास टाइम नहीं होगा, आप नहीं कर सकते आपने। हाँ आप एक फिर ये एक सोच होती है क्या कि मैं रख लेता हूँ, मैं एक बंदा रख लूँगा वो ये कर लेगा, ये घर वालों को कह दूँगा वो कर लेंगे, कोई भी नहीं करेगा। जब तक आप अपने काम अपने हाथ से खुद नहीं ना कर सकते तो कोई भी नहीं करेगा, आप जितने मर्ज़ी अमीर हैं पैसे वाले हैं जो मर्ज़ी कर लें, पहले आपने खुद से करना है फिर आपको कोई करने वाला मिलेगा। अब जब आपको खुद बेसिक चीज़ें नहीं पता
आप कैसे किसी से करवा सकते हैं, कोई नहीं करेगा इस तरह। कोई कर लेगा तो वो उस तरह से नहीं कर रहा होगा जैसे कि एक ज़रूरत होती है काम को करने की। आपको नहीं पता होगा जब चीज़ों का मेडिसिन देनी होती है, मल्टी विटामिन देने होते हैं। अब उसमें ये है कि कोई आप सेकंड पर्सन को कह रहे हैं, आपने किसी को काम पर रखा हो, उसने क्या किया मल्टी विटामिन ज़्यादा डाल दी, जहाँ एक चम्मच देना था 1 लीटर के अंदर उसने 5 डाल दी, 4 डाल दी। अब परिंदा ऑन द स्पॉट तो सही है, उसको कोई मसला नहीं है। 2 दिन 3 दिन गुजरेंगे उसमें प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, 1 हफ्ते बाद हो जाएगी, आपको पता ही नहीं लग रहा क्या मसला हो रहा है, कहाँ से प्रॉब्लम आ रहा है। आपके पास ना तो टाइम है ना आप खुद देखते हैं। अब जो बंदा इसकी केयर कर रहा है वो आपके घर वाले हैं या कोई काम करने वाले हैं, ये प्रॉब्लम तो उसकी तरफ से आ रही है। आपके पास टाइम होगा, आप इन चीज़ों को खुद करेंगे तो ये मामला हल होंगे, अदरवाइज़ आप नहीं कामयाब हो सकते। मेरा मशवरा आपको यही होगा, आप पैसे भी ना ज़ाया करें, और सबसे बड़ी बात ये है कि परिंदों के ऊपर जुल्म भी ना करें आप। इस तरह से उन पर जुल्म होगा जो कि इंतहाई तकलीफ दे, परिंदों के लिए भी है और आपके लिए गुनाह का बायस भी बनेगा वो। तो आपके लिए उनकी बददुआएं भी आपको मिलेंगी। हाँ आपने रखे हुए हैं, आप केयर करते हैं उनकी, प्रॉपर टाइम देते हैं, उनका हर हवाले से ख्याल रखते हैं, मौसमी हवाले से। आपको अल्लाह पाक कामयाबी ज़रूर देगा, आप कामयाब भी होंगे। आपको परिंदे की दुआ भी लगती है जब आप उसको केयर करते हैं, तो जाहिर सी बात है वो आपको दुआ भी देते हैं कि मुझे दाना सही दे रहा है, पानी सही दे रहा है। तो ये बड़ी अहम चीज़ें हैं और बड़ी ही बुनियादी चीज़ें हैं जिसकी बुनियाद पर आप रखते हैं, रखने चाहिए आपको। इन्हीं बुनियाद पर, इन्हीं बातों के ऊपर ही आपको रखने हैं ये छोड़ने, या फैसला आपके ऊपर है। अगर इसके अलावा और तो कोई मामला नहीं है, ये 2 से 3 अहम बातें हैं, इन्हीं के ऊपर आपने डिसीजन लेना है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। और जो है ना जी शौक़, उसका अब हल है ये कि अब ये कैसे पता लगेगा मुझे शौक़ है कि नहीं। हाँ मैं बैठ जाता हूँ, शौक से वीडियोस भी देखता हूँ, कहीं परिंदा मुझे नज़र आ जाता है, मैं उसको पसंद भी आता है मुझे, तो क्या मेरे अंदर शौक़ है? नहीं, अब ऐसे नहीं पता लगेगा आपको शौक़ है या नहीं। शौक़ तलाश करने का एक बड़ा ही आसान हल है जो कि आप किसी भी काम को करते हुए टाइम और स्पेस से आउट हो जाए। मुख्तसर अल्फाज में हम कहते हैं कि आपको ना पता लगे आपका वक्त कितना गुजर गया उस काम को करते हुए, और आप ये भी भूल गए कि आप कहाँ बैठे हुए। ये 2 बड़ी अहम सी बातें, वो चीज़ आपका शौक होती है। अगर आपने परिंदे रखे हुए, आप उसके पास बैठे रहते हैं, आपको आधा आधा घंटा गुजर जाता है, 15-15 मिनट, आपको 1-1 घंटा गुजर जाता है, आपको नहीं पता लगता, फिर आपका वो शौक है, फिर आपको रखने चाहिए वो चीज़ें। लेकिन अगर इसके ऑपोजिट बात है, आप गुजरते हुए भी नहीं देखते पास से, आप केज में नज़र भी नहीं मारते, अपने काम में लगे रहते हैं, आपका पूरा दिन गुजर जाता है, तो वो आपका शौक़ नहीं है। वो आपको वक्त से ही चाहिए, वो या तो सेल कर दें जो अभी आपने सेटअप लगाया, या उसको किसी को दे दें, गिफ्ट दे दें। नहीं तो पहली बात ये कि ले के आने से पहले, सेटअप लगाने से पहले, अब उन चीज़ों को अच्छे तरीके से अपने अंदर चेक करें, क्या ये बात सही है या गलत, मुझे शौक़ है भी सही है नहीं। और अगर आप ले आए, आप चाहते हैं मैंने करना है इस मामला को आगे चलाना है, रखने हैं मैंने परिंदे हर हाल में करना, आप बिना शौक़ नहीं है, आप अपने अंदर पैदा करें, फिर आप उसके पास बैठे हैं, उसके पास वक्त गुजारें, ताकि आपके अंदर शौक़ पैदा हो, तो आप उसको वक्त से दाना पानी दें, उसकी ख्याल कर सकें। कि ऐसे ही है जैसे आप इंसान, हम अपने बच्चों को पालते हैं जो कि 1 दिन का या 1 महीने का, उसके लिए हम आधी रात को भी जाग पड़ते हैं, रात के 2 बजे भी जाग जाते हैं, हमें ना नींद का पता होता है, ना थकावट का पता होता है, किसी चीज़ का नहीं पता होता। हम उसका हर काम हम उसकी हर ज़रूरत पूरी करते हैं। तो जब आपके अंदर ये शौक़, इस तरह से एक पेन होगी ना, एक दर्द होगा आपके दिल में परिंदों के लिए, जानवरों के लिए, फिर आपको वो काम फ़ायदा देता है। फिर आपको परिंदों छोड़ें, आप जानवर रख लें, कोई भी चीज़ रख लें, कोई भी परिंदा रखें, कोई भी जानवर हो,
फिर आपको उसमें से ज़रूर फ़ायदा हो और हर हाल में हो। ये हो ही नहीं सकता कि फिर आपको उसमें से फ़ायदा ना हो। बेशुमार मिसालें पड़ी पड़ी हैं, लोगों ने 5 पेयर लिए, 2 पेयर लिए, 10 पेयर लिए और आज उनके पास 1-1 हज़ार केज लगा हुआ है। वो ऐसे नहीं, उसके लिए उन्होंने सब्र किया, वक्त दिया, अपनी ज़िंदगी के 10-10 साल दिए, 20-20 साल दिए, 15-15 साल दिए। लोगों के बड़ी बड़ी शॉप्स हैं, लोग लाखों रुपए बड़े ही आसानी से कमा रहे हैं, 10-10 लाख रुपए, 20-20 लाख रुपए, लेकिन उन्होंने स्टार्ट शुरू बिल्कुल छोटे लेवल से किए थे, 10 पेयर, 20 पेयर, 50 पेयर। लेकिन उन्होंने क्या वक्त दिया, सब्र और तहम्मुल से काम लिए और प्यार मोहब्बत किया परिंदों के साथ, जानवरों के साथ, और वक्त के साथ साथ उनके माँ अल्लाह ने उनको रंग लगा दिया, उनके माँ ब्रीडिंग फास्ट होती है और वो कामयाब होते चले गए। ये बड़ी ज़रूरी चीज़ें, अहम और बुनियादी चीज़ें, जिसके बगैर हम किसी सूरत भी कामयाब नहीं हो सकते इस काम के अंदर। इन बातों का पता होना ज़रूरी है, इन पे अमल करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इंसान नुकसान उठाता है, हर हाल में उठाता है, वो उसको फिर कोई भी नहीं मतलब समझ। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आपके मैं हर कमेंट का जल्द अज जल्द जवाब देने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। व्हाट्सएप नंबर भी मैं शेयर कर रहा हूँ नीचे, तो आप व्हाट्सएप पे भी टेक्स्ट कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन हो आपका आप पूछ सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिएगा, आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।